तो आज हम लोग जानेंगे कि फैटी लीवर के चलते जो पेन होता है राइट साइड ऑफ द चेस्ट में, लोअर चेस्ट में, उसमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोग का कहना है कि हमें फैटी लीवर है और हमारा चेस्ट तरफ में दर्द होता है लोअर चेस्ट में, कितना सीरियसली लेना चाहिए, क्या कहीं पे मेरा लीवर प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, कहीं पे मेरा लीवर फाइब्रोसिस तो नहीं हो रहा है, डैमेज तो नहीं हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्या टेस्ट कराना चाहिए और इसको कैसे ठीक करें। तो आज ये वीडियो इसीलिए बना हुआ है जिसके चलते पता चलेगा कि हाँ, ये फैटी लीवर अगर आपको है और आपको फैटी लीवर के चलते पेन हो रहा है, खाने के बाद पेन बढ़ गया या बैठने के बाद दर्द हो रहा है या चलाने गाड़ी चला रहे हैं तो पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए टेस्ट। देखिए, अगर जैसे हमारा स्कल होता है वो एक कवरिंग चीज़ होती है, तो ऑब्वियसली ये स्कल एक्सपैंड नहीं होता, उसी तरह से लीवर के ऊपर परत होती है जिसको कहते हैं ग्लिसन कैप्सूल, और ये ग्लिसन कैप्सूल काफ़ी टाइट रहता है, ये स्ट्रेच नहीं हो पाता। पर अगर आपका लीवर जो है उसमें फैट आ जाता है या किसी चलते अल्कोहल की वजह से और कई कारण के चलते ये लीवर में फैट हो जाता है और उसमें लीवर जो है एक्सपैंड होने की कोशिश करता है, कुछ लेवल तक, हद तक ये जो ग्लिसन कैप्सूल है वो दर्द होके एक सिग्नल देती है, कभी कभी ज़्यादा फैट होने के बाद वो लीवर एक्सपैंड हो जाता है। तो आपको जो लीवर जो पेन हो रहा है, जो राइट साइड जो पेन हो रहा है, वो ग्लिसन कैप्सूल के चलते खिंचाव होने के चलते ही वो पेन हो रहा है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, इसमें ऐसा लगेगा कि आपको फैटी लीवर के चलते आपको स्ट्रेचिंग पेन हो रहा है, इसमें आपको घबराना नहीं है। बट हाँ, ये एक वार्निंग साइन की तरफ लेना चाहिए कि आपको लीवर में फैट है, तो आपको उसको एसेस करना पड़ेगा कि लीवर में फैट तो है पर उसमें डैमेज कितना हुआ। तो आपको कुछ टेस्ट इंपॉर्टेंट है वो करना चाहिए, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, तो LFTs बहुत कॉमनली कहीं पे भी अच्छे लैब्स में हो सकते हैं, खाली पेट जरूर कराएंगे। कुछ लोग तो खाना खाने के बाद करते हैं 4 घंटे 6 घंटे बाद, नहीं, 8 घंटे खाली पेट होना चाहिए और वो LFT पहला करना चाहिए। अगर आपके वहाँ पे आसपास में अल्ट्रासाउंड होता है तो अल्ट्रासाउंड करके जो जो भी रेडियोलॉजिस्ट है उनको अपना बताएंगे प्रॉब्लम्स कि मेरे को राइट साइड चेस्ट में पेन हो रहा है, तो वो फिर एक बार चेक करेंगे कि लीवर का साइज़ क्या है और लीवर में कितना फैट है। अच्छा, ये दो टेस्ट तो हो गया, लेकिन कई बार पता नहीं चलता है ये सब टेस्ट करने के बाद भी कि कहीं पे लीवर में डैमेज है क्या। तो अगर आपके पास कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर है और आपका वहाँ पे कोई क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, और वहाँ पे फाइब्रो स्कैन हो सकता है तो वो ज़रूर कराएं। फाइब्रो स्कैन ऐसा एक टेस्ट होता है जो स्कैन करता है फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस मतलब लीवर डैमेज हो गया। तो अगर फैट के चलते लीवर डैमेज हो रहा है तो फाइब्रो स्कैन जो टेस्ट होता है वो 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर टेस्ट हो जाती है, वो पता चल जाता है कि लीवर में कितना कमजोरी है। तो अगर आपका लीवर में सिर्फ फैट है या फाइब्रोसिस है तो कुछ हद तक ठीक हो सकता है, कुछ आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं, और ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। आपके जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है उनसे आपको मिलना पड़ेगा और समय समय पर अपना आप हेल्थ चेकअप करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि अगर आपको लीवर डैमेज हो रहा है तो उसमें मेडिसिन भी कुछ हद तक चलते हैं, लेकिन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो रूट कॉज है, वेट, अल्कोहल, एक्स्ट्रा कैलोरीज और ये सब एक्सरसाइजेस, ये आपको करना पड़ेगा कुछ दिनों तक। अगर आपका डिपेंडिंग अपॉन कितना फैटी लीवर है उस हिसाब से फिर आपका इलाज भी होता है एंड आप ठीक हो जाते हो। तो आज के बारे में ये चीज़ है, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, प्लीज़। थैंक यू।